सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 23 नवंबर को संत क्लेमेंट फर्स्ट का पर्व मनाती है। वे एक यहूदी थे, परंतु उन्होंने क्रिस्त धर्म को अपना लिया था। वे संत पेत्रुस और पौलुस के शिष्य थे और उनकी यात्रा में उनके साथ थे, जिसका जिक्र हमें फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र 4:3 में मिलता है। संत इरेनियोस के अनुसार संत क्लेमेंट के वचनों की जो बातें हैं, वे उनके कानों में आज भी गूंज रही हैं। संत क्लेमेंट ने प्रभु के वचनों को लोगों में प्रचार किया, और जब वे प्रभु के वचनों को सुनाते थे तो उनमें एक तेज चमक होती थी। संत पिता अनाक्लेटस के बाद संत क्लेमेंट को संत पिता बनाया गया। उन्होंने 88 से 100 ईस्वी तक शासन किया। जब सम्राट ट्राजन ने उन्हें देश निकाला देकर क्राइमिया भेज दिया था, वहां वे 2000 क्रिस्तियों के लिए एक सांत्वना बने। उन्होंने उन लोगों से कहा कि प्रभु ने मुझे वो अनुग्रह दिया है जिसके मैं कभी योग्य भी ना था, और मुझे आप सबके पास भेजा। कुछ लेखकों के द्वारा ये बताया जाता है कि उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया था। आज भी रविवारीय प्रार्थना सभा में उनके लेखों को पश्चिमी एवं पूर्वी कलीसिया में पढ़ा जाता है, जिसे सुनकर बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। प्रारंभिक कलीसिया द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण पत्र मिलता है, जिसे उन्होंने कुरंथियों की कलीसिया को लिखा था। वो पत्र 96 ईस्वी में लिखा गया था। उस समय कुरंथियों की कलीसिया में झगड़े चल रहे थे, और उस पत्र में उन्होंने वहां के लोगों को यही लिखा था कि आपसी लड़ाई झगड़ा बंद करें और ईर्ष्या की भावना ना रखें, बल्कि प्रेममय जीवन बिताएं, और कहा कि जैसे प्रभु ने अपनी दया हम पर दिखाई है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के प्रति दया भाव वाला जीवन बिताएं। कैनन ऑफ द मास में प्रेरितों के बाद संत क्लेमेंट का तीसरा स्थान है। आइए आज हम भी संत क्लेमेंट फर्स्ट के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु प्रेममय जीवन जीने में हमारा मार्गदर्शन करें।